हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ICT वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर आप देख पा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणियां। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस सेशन में ये चैप्टर शुरू किया था। बेसिक चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे बेसिक टर्म्स हो गई कि इसमें क्या क्या यूज होने वाली है, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पढ़ ली हमने तो, एक तो है ए, क्या होता है फर्स्ट टर्म, ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रथम पद। याद आ रहा होगा, जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा आपको याद आती जाएंगी चीजें। बी क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर। ए हो गया, डी हो गया, फिर एल हो गया, या फिर इसको ए एन बी बोल देते हैं। ये अंतिम पद हो गया लास्ट टर्म। क्या हो गई? ये लास्ट टर्म। और आता है बच्चों इसकी जनरल फॉर्म, ठीक है, व्यापक रूप जिसको हम बोलते हैं, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। ये हो जाती है फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर ये फोर्थ टर्म, ऐसे करके आपकी टर्म्स आती जाती हैं, ठीक है। ये जनरल फॉर्म हो गई इसकी, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपने यहाँ पे सीखी थी, वो हमने रिकैप की हैं। और एक और चीज है, वाई, क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों इसको हम, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चैप्टर है, इसकी रेलेवेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। ये हमने सीखा था कि भाई यहाँ पे जो आपकी डेली लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको, जो मतलब बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी अगर आप वन बाय वन ऐड करके चलेंगे तो। लेकिन अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का यूज करेंगे तो कैलकुलेशन छोटी, कम समय में आप बड़े बड़ी चीजें हल कर सकते हैं। दैट इज वाई, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कोई सैलरी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सैलरी कैलकुलेट करनी है मतलब आज के टाइम पे, ठीक है, आज के टाइम पे किसी की सैलरी है 90,000। आज के टाइम पे किसी की सैलरी 90,000 है और आपको पता है कि उसकी 35 इयर्स से जॉब चल रही है, 35 साल से वो जॉब कर रहे हैं, और उनका हर साल जो इंक्रीमेंट है वो होता है 3,000 मान लीजिए, ठीक है, या फिर आप एक काम करिए 1,000 मान लीजिए, 1,000 रुपीज हर साल प्रत्येक वर्ष उनका इंक्रीमेंट हुआ है। तो स्टार्टिंग में पहले वर्ष जब उन्होंने जॉब ज्वाइन की थी तो कितनी सैलरी होगी, ठीक है, वो आपको बतानी है, यानी फर्स्ट टर्म बतानी है, ए बतानी है, अगर एपी से बात करें। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 90 में से 1,000 घटाए, फिर 89 में से 1,000 घटाए, ऐसे कर करके 35 साल तक आप कम करेंगे। इससे अच्छा आप एपी का यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या हो गए, डेली लाइफ में काफी सारे यूजेस इसके आते हैं, तो वो हम क्वेश्चंस के थ्रू हम कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कुछ करेंगे, इसके आधार पे आपको बेहतर क्लैरिटी मिलेगी। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्या है बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई, क्यों क्यों एपी बनाता है, ये भी बताना है। चलिए फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं, पहला भाग, और फिर डिसाइड करेंगे। तो इसमें ये पूछा गया है कि अलग अलग आपको सिचुएशन कंडीशन दी गई है, ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस दी गई हैं, और उनमें से, ठीक है, उनको आप नंबर्स के रूप में व्यक्त करो, और फिर आपको बताना है कि जैसे फर्स्ट पार्ट में जो सिचुएशन दी गई है उसके नंबर एक एपी बनाते हैं, क्या समांतर श्रेणी बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है, समझ गए। तो ये आपको चीज समझनी है कि देखिए
फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर सबसे पहला किलोमीटर जो है वो 15 रुपए, ठीक है, 15 रुपए इसका किराया है। 1 किलोमीटर टैक्सी में चले तो 15 रुपए दिया आपने। अब दूसरा जब किलोमीटर चले, सेकंड किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद आपका किराया कितना हो जाएगा? 8 रुपए। थर्ड किलोमीटर के बाद कितना हो जाएगा? 8 रुपए। फोर्थ किलोमीटर के बाद कितना हो जाएगा? 8 रुपए। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि हर एक किलोमीटर के बाद आपका 8-8 रुपए किराया लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम नंबर्स में लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने 15 रुपए पे कर दिए, ठीक है, लेकिन जब 2 किलोमीटर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो 15 + 8 कितना हो गया? 15 + 8 = 23। 2 किलोमीटर के आपको 23 रुपए देने पड़े। वहीं पे 3 किलोमीटर के आपको कितने देने पड़ेंगे? 31 रुपए। और वहीं पे 4 किलोमीटर के आपको कितने देने पड़ेंगे? 39 रुपीज। एंड सो, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा ये। तो आपको ये बोला गया है 8 रुपए हर एक किलोमीटर के देने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया है, 15 में 8 8 जोड़ता जा रहा हूं जितने भी किलोमीटर आप चलेंगे। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 300 किलोमीटर आपको जाना है तो कुल कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे? सिंपल है, अगर टोटल 300 किलोमीटर कवर करेंगे तो कितने रुपए आप देंगे? तो यहाँ पे ये एपी का क्वेश्चन बन जाता है और इससे इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें बताना है कि क्या ये एक एपी बन रहा है, तो आप लिखेंगे यस, हाँ ये एपी बन रहा है। क्यों बन रहा है, रीजन बताता हूं। देखिए, किसी एपी की क्या कंडीशन बताई थी कि कोई समांतर श्रेणी कब होगी? जब हम उसमें से डी निकाल पाए, और डी क्या होता है? A3 - A2 = A2 - A1, यही होता है। तो सब के सब क्या है? बराबर है। ये कितना है कॉमन डिफरेंस? 8 है ना, कितना है? 8 है। 23 - 15 = 8 आ गया, 31 - 23 = 8 आ गया। तो ये डी इनका 8 है, सर्वांतर है इनका सबका, इसीलिए दे फॉर्म एपी, समझ गए। इसी तरह से आप देखिए अलग अलग ये क्वेश्चन है, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही आपको बस इसमें बताना है कोई कौन सा एपी बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है। तो ये हर एक क्वेश्चन यहाँ पे करने का पॉइंट नहीं है, ये आप होमवर्क में कर लेंगे, तरीका मैंने बता दिया है। आगे जब क्वेश्चंस आपके और भी आएंगे तो वो आप अच्छे से समझना, ठीक है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप बिल्ड कर रहे हैं, ये समझ में आ गए। कुछ ऐसे इस टाइप की कंडीशंस आपको दी हो तो उससे एपी कैसे बनाना है, ए कैसे निकालना है। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 15, बी हो गया 8, है ना। इस तरह से आप A2 23, A3 31, A4 निकालना है तो 39, ऐसे ही A10 भी निकाल सकते हैं आप, A20 जितना भी आपसे पूछा जाए इजीली निकाल सकते हैं, है ना। अब जैसे A10 क्या होगा, अगर A10 आपको निकालना है तो A+90, ठीक है, A10 क्या हो जाएगा? A+90 हो जाएगा। A10 हो जाता है A+90। D कितना है? 8 है। A कितना है? 15 है। वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से बच्चों ये चीजें आप इजीली निकाल सकते हैं, मैंने बस आपको बता दिया है। अब होमवर्क में इसको कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये पूरा होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए और फर्स्ट वाला पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। तो ठीक है बच्चों, ये नोट डाउन कर लिया है सबने, तो अगला क्वेश्चन करेंगे आप। बहुत सरल क्वेश्चंस हैं बच्चों ये, ठीक है, तो ये इजीली आप कर सकते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म दी है ए जो कि 10 है, कॉमन डिफरेंस सार्वांतर आपको दिया है जो कि
10 है। तो समझना कि आपको प्रथम चार पद लिखने हैं इस समांतर श्रेणी के, जिसका आपको सार्वांतर और प्रथम पद दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं जनरल फॉर्मिस्टी क्या हो सकती है। जनरल फॉर्म बच्चों यहां पे आ गई ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन, ये होती है ना। तो हमें तो प्रथम चार पद लिखने हैं, है ना। तो जो ए वन है वो ए के बराबर आ जाता है, दैट इज 10। ए टू क्या होता है, ए प्लस डी, दैट इज 10 प्लस 10, ये होगा 20। ए थ्री आपका होगा, तीसरी टर्म हो गई है, ए प्लस टू डी, दैट इज 10 प्लस 2 इंटू 10, दैट इज 30। ए फोर क्या होगा, ए प्लस थ्री डी, दैट इज 10 प्लस 3 इंटू 10, दैट इज 40। तो क्या आ जाएगी आपकी ये सीरीज, ए पी आ जाएगी बच्चों आपकी 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, इट विल कंटिन्यू। समझ में आ गई बच्चों, ये चीज है, नोट डाउन इसको कर लेंगे आप। और अगले क्वेश्चन, ठीक है, देखिए जैसे पार्ट टू है, पार्ट टू है, पार्ट थ्री है, इन दोनों में से कोई एक पार्ट हम करेंगे, एक आप होमवर्क में कर लेंगे। तो एक काम करो, पार्ट थ्री सॉल्व करो, ठीक है, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क हो जाएगा। तीसरा भाग हल कीजिए इसका जल्दी से, और ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट करेंगे हम, क्या है इसमें, ए दिया है आपको 4, डी दिया है आपको -3, ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म होगी या फिर व्यापक रूप आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ये ए वन हो गया, ये ए टू हो गया, है ना, ये तो पता है ना, ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ए फोर है, इस तरह से ए फाइव, ए सिक्स आप निकालते जाएंगे। अब यहां पे ए है वो ए वन के बराबर है, दैट इज, या फिर आप इस तरह लिखेंगे इसको, ए वन इक्वल टू ए इक्वल टू 4, ए टू इक्वल टू ए प्लस डी, दैट इज 4 प्लस माइनस 3, ये आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद ए थ्री, ए प्लस टू डी कितना हो गया, 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3। देखिए कैलकुलेशन बहुत छोटी कैलकुलेशन है, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं कर रहा हूं कैलकुलेशन। ये क्या है, सिंपली माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 आ गया, माइनस 6 प्लस 4 कितना आ गया, माइनस 2 आ गया, है ना, इस तरह से आप कर लेंगे। ए फोर निकालना है तो ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3, कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 9, तो माइनस 9 प्लस 4 कितना आ गया, माइनस 5। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपकी फर्स्ट टर्म आ गई, है ना, देखिए इसको भी इरेज करना था हमें, एपी क्या हो जाएगा, इजीली नॉर्मली आप लिख सकते हैं, एपी है, प्रथम पद आपको पता है, प्रथम पद क्या है, 4 है, दूसरा पद क्या हो जाएगा, 4 में माइनस 3 जोड़ दीजिए कितना आ गया, 1, एक में माइनस 3 फिर से जोड़ दीजिए तो माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 में माइनस 3 जोड़ दीजिए कितना आ गया, माइनस 5, एंड सो ऑन, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में मैंने आपको बताया है, नोट डाउन कर लेंगे इसको, ठीक है बच्चों, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, क्या करना है,
फोर्थ पार्ट में ए आपको माइनस वन दिया है जबकि डी दिया है वन बाई टू। कोई दिक्कत नहीं है, ए वन आपको पता है ए के बराबर है जो कि माइनस एक है। ए टू क्या हो जाएगा, ए टू हो जाएगा ए प्लस डी यानी माइनस एक प्लस वन बाय टू। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, ये आ जाएगा एलसीएम दो ले लेंगे तो माइनस टू प्लस वन कितना आ गया, माइनस वन बाय टू। ठीक है, इस तरह से ए थ्री आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ए प्लस टू डी, कितना आ गया ये आ जाएगा माइनस वन प्लस टू इंटू वन बाय टू, कितना आ जाएगा ये जीरो आ जाएगा शून्य। ठीक है, ए फोर इस तरह से सॉल्व कर लेंगे ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री इंटू वन बाय टू, सिंपल है। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा वन बाय टू। बस इसी तरह से ए फोर ए फाइव भी निकालना हो वो भी आप निकाल सकते हैं इजीली, उसमें ए प्लस फोर डी करेंगे, ए सिक्स निकालने के लिए ए प्लस फाइव डी करेंगे, ए टेन निकालना हो, ए ट्वेंटी निकालना हो, ए सेवनटीन निकालना हो तो ए प्लस सिक्सटीन डी। वो आप तरीका आ गया है, इजीली आप कर सकते हैं। अब माइनस वन हो गया, माइनस वन बाय टू जीरो वन बाय टू इस तरह से लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये वाला पार्ट है, ये भी आप होमवर्क के लिए कर लेंगे, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, आपको बता दिया गया है नीचे जो दिए गए हैं वो एपी हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी प्रथम पद, फर्स्ट टर्म जो हो गया वो प्रथम पद, प्रथम पद निकालेंगे आप और निकालेंगे सर्वांतर। ठीक है बच्चों, सर्वांतर निकालेंगे, इजी है ये, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालना। जैसे फर्स्ट आपको दिया है पार्ट थ्री वन माइनस वन माइनस थ्री एंड सो ऑन, ये एक एपी है आपकी। फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो सबसे पहले नंबर पे होगा ए, जो कि थ्री है, देख के आपको लिखना है ए कितना है, थ्री है। अब अगर मैं डी निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन। सेकेंड टर्म द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये करेंगे हम, ए आपका ए वन के भी इक्वल होता है। अब देखिए a2 कितना है यहाँ पे, 1 है, और a1 कितना है, 3 है, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, दैट इज योर आंसर, इजी है। इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस देखिए, सेकेंड पार्ट इसका देखिए, यहाँ पे क्या है, माइनस 5 माइनस 1 3 7 एंड सो ऑन। इसमें बताइए मुझे a क्या होगा, जो प्रथम पद होगा a वो हो जाएगा माइनस 5, ठीक है, प्रथम पद आपका माइनस पांच हो गया। डी क्या हो गया, दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे, यानी ए टू कितना है, माइनस वन है, और उसमें से क्या घटाएंगे, पहला पद, पहला पद कितना है, माइनस पांच है। ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा, ए टू, ए टू कितना है, माइनस वन, फिर उसमें से क्या माइनस किया है मैंने, पहला पद जो कि माइनस पांच है। सॉल्व करें इसको, क्या आ जाएगा, माइनस वन और माइनस माइनस प्लस प्लस फाइव आ गया, दैट इज फोर, दैट विल बी योर आंसर। पहले दो पार्ट हमने किए हैं, नोट डाउन इनको कर लेंगे आप। तो ये चीज समझ में आई बच्चों, देखिए जो भी इसके पार्ट्स हैं बिल्कुल ऐसे ही होंगे सारे पार्ट्स, कोई आपको मुश्किल नहीं आएगी इनमें, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज आपसे पूछ रहे हैं। थर्ड है, थर्ड पार्ट है, वन बाय थ्री फ्रैक्शन में दिया है ये, तो क्या हुआ, फ्रैक्शन में दिया है तो आप कंफ्यूज थोड़ी हो जाएंगे। बस यहां भी सेम चीज करनी है, प्रथम पद क्या हो गया, जो सबसे पहले नंबर पे दिया है, फिर डी क्या हो गया, दूसरे नंबर का पद माइनस पहले नंबर का पद, जो कि है पांच बटे तीन माइनस एक बटे तीन, कितना आ जाएगा,
पांच बटे तीन माइनस एक बटे तीन, ये आ गया चार बटे तीन, 4/3। इजी है, इस तरह से कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे। और एक पार्ट मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं ताकि आपको याद रहे, आप घर पे एक बार प्रैक्टिस कर पाए तो आपको अच्छे से भी समझ में आएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे से आप उनको नोट डाउन कर रहे हैं, समझ रहे हैं और अपना होमवर्क अवश्य करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।